नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉगर के ऊपर किस तरह से रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और कहां से आपको डाउनलोड करनी है, किस तरह से इंस्टॉल करनी है, और वहां पर जो है सारा कस्टमाइजेशन जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जो है ऐसा करने से आपका होगा क्या कि आपकी जो ब्लॉग है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक के अंदर आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको एडवर्टाइज के लिए जो है सेक्शन, जो एड के लिए प्ले एड प्लेसमेंट के लिए जो सेक्शंस हैं वो भी वहाँ पे जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मेरा चैनल है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं ब्लॉगर के ऊपर। तो ये हमारा ब्लॉगर है, अभी जो है हमारा इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये हमारा कुछ ब्लॉग जो है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं एक पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ ताकि जो अब हम कोई थीम जो है अपलोड करें तो वहाँ पर जो है कोई हमें कुछ कुछ देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, और यहाँ पे कर देता हूँ ब्लॉग, ठीक है ना, बेस्ट गवर्नमेंट जॉब ब्लॉग कर देता हूँ, ये हमारा टाइटल। और इसी तरह से यहाँ पे मैं कुछ जो है इसको इस तरह से लिख देता हूँ ताकि कुछ चीज़ों को जो है हम यहाँ पे, हालांकि ये परफेक्ट नहीं है, जिस तरह से लिखना है वो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए हम काम चलाऊ सरकार करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम इस तरह से कुछ यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर देते हैं, ये हमने क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे मैं एक इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो ये इमेज जो है मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी पड़ी हैं, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, और ये इमेज जो है आप देख सकते हैं अपलोड हो रही है, और अपलोड होते से ही हम इसको ऐड टू ब्लॉक कर देते हैं, ये हमारी इमेज ऐड हो गई। अब मैं डायरेक्टली इसको पब्लिश कर देता हूँ, बाकी रूल रेगुलेशन वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं ये ब्लॉग जो है हमारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छा प्रोफेशनल लुक नहीं आ रहा है। तो अभी इसके बाद आपको करना क्या है कि मैंने ऑलरेडी एक जो है थीम डाउनलोड करके रखी है टेम्पलेट, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का, वहां पर जाएंगे तो आपको ये थीम डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ इसके अगर आप पूरा रीड करके स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं किस तरह से करना है, तो वहां पे पूरा एक आर्टिकल लिखा गया, ब्लॉग लिखा गया, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं, वहां से भी सेटअप कर सकते हैं, या पूरा ये वीडियो को एंड तक जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये थीम जो है आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको जिप फॉर्मेट में मिलेगी, इसको आपको अनजिप करना है, तो अनजिप करेंगे दो फोल्डर इसमें क्रिएट होंगे। तो पहला आपको जो है या ये वाला जो है एम्बर कलर लिप जो है इसको ओपन करना है। यहाँ पे दो टेम्पलेट मिलेंगी आपको, तो दो फाइलें मिलेंगी, दो फाइलों में जिसमें टेम्पलेट वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो फाइल को हमने अपलोड करना है। तो अभी इसको अपलोड करना कैसे है, तो यहाँ पे ब्लॉगर पे आने के बाद आपको थीम पे जाना है। थीम पे जाएंगे तो ये आपकी एग्जिस्टिंग जो है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और उसी लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पर आपका वो जो ब्लॉग की जो फाइल पड़ी है, जो थीम पड़ी है, वो हमने यहाँ पे ये टेम्पलेट वाली को सेलेक्ट करना है, और इसको ओपन करते हैं और इसको अपलोड के ऊपर अब क्लिक कर देते हैं। तो ये हमने अपलोड के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो अपलोड हो चुकी है ये थीम जो है। अब यहाँ पे जो है ये थीम जो है मेरे बराबर दिख रही है कि नहीं दिख रही, उसको चेक करने के लिए, क्योंकि रेस्पॉन्सिव थीम है ये, तो हम यहाँ पे ये सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमें टिक रखना है, यस शो मोबाइल थीम ऑन मोबाइल डिवाइस, तो यही रहना चाहिए। दूसरा वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये थीम हमारी अपलोड हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा थीम का जो लेआउट है हमारा वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, बिल्कुल प्रोफेशनल जो वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, उसी हिसाब से कुछ दिखने लग गया है। और ये हमारे हमने जो वहाँ पे ब्लॉग बनाया था, तो आप देखते हैं ये जब हम कर्सर लेके जाते हैं तो ये अलग से हाईलाइट होकर भी आ रहा है, राइट। तो इसके ऊपर साथ ही साथ यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस के ऊपर अगर कोई डायरेक्टली शेयर करना चाहता है तो वो चीज़ भी यहाँ से करी जा सकती है। तो यहाँ पे किसी को जो है बेसिक डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी, रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ब्लॉग जो है वो रीड करने के लिए मिल जाएगा। अब इसको जो है यहाँ पे हमारा ऐड आएगा, यहाँ पर ऐड आएगा, और इसके बाद जो है यहाँ पे जब ब्लॉग जो कोई भी हम ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी जो है नीचे साइड पे ऐड दिखेगा, और ये हमारा फुटर सेक्शन है। तो अभी जो है
हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो कस्टमाइज़ करने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे लेआउट पे। तो लेआउट पे जैसे हम पहुँचते हैं तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लोगो जो है हम चेंज करते हैं। तो लोगो चेंज करने के लिए ब्लॉगर हेडर पे जाना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है आपको। एडिट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये जो इमेज है इसको रिमूव कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और फिर जो भी आपका लोगो है उस लोगो को आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लोगो बना के रखा है तो मैं ये लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये लोगो हमारा जो है अपलोड हो रहा है। तो ये लोगो है मेरा और इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये सेव हो गया हमारा। अब एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो जो है हमारा अपलोड हो चुका है और ये हमारे मेन्यू है और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आएंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू जो है वो किस तरह से यहाँ पे चेंज करना है वो आप देखेंगे। तो यहाँ पे है यहाँ पे मेन नेविगेशन मेन्यू। तो इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है मेन्यू क्रिएटेड हैं। तो आप इनको बिल्कुल ऐसा भी एडिट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको ये नहीं चाहिए है तो आप इसको सीधा का सीधा यहाँ पे डिलीट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं सारे सारे डिलीट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्रेश करके सारे मेन्यू बटन जो है यहाँ से हट चुके हैं। तो अब हम दोबारा से यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वापस एडिट पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हमने यहाँ पे नाम देना है। तो नाम क्या है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब कर देता हूँ, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, ये कर दिया। अभी हम यहाँ पे हैशटैग लगा देते हैं और इसको एड लिंक पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिंक पे क्रिएट हो चुका है। अब एक और बनाता हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट, तो ये लिख देता हूँ और यहाँ पर भी जो है एक हैशटैग लगा देता हूँ, इसको भी ऐड लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। अब इतना करके मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा मेन्यू अभी ये दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम का है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब और यहाँ पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो है इसको हम यहाँ पे चाहते हैं, ये यहाँ पे चाहते हैं। तो अब इसको करने के लिए हमें क्या, वापस से हम यहीं पे एडिट सेक्शन पे जाएंगे और ये जो देख रहे हो नीचे वाला, ये जो इनके साइड पे ये एरो है तो एरो से हम इसको ऊपर खसका देते हैं, ये आ गया आपका लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो है पहले नंबर पे आएगा। अगर आपको इसका जो है कोई सब मेन्यू बनाना है तो जैसे कि गवर्नमेंट जॉब का, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको जैसे पंजाब का एक होना चाहिए, है ना, जितनी भी पंजाब से पंजाब गवर्नमेंट की जॉब हो तो वो पंजाब गवर्नमेंट के उसमें आए। तो यहाँ पे पंजाब लिखने से पहले मुझे एक अंडरस्कोर लगाना होगा तो ये मेरा सब मेन्यू में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे मैं वापस एक अंडरस्कोर लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ राजस्थान, तो यहाँ पे राजस्थान की जितनी भी जॉब पोस्टिंग्स होंगी वो हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे एक और बार अंडरस्कोर लगा के यहाँ पे मैं कर देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, दिल्ली कर देते हैं और यहाँ पर जो है दिल्ली करके ये करके और इसको कर देते हैं। तो ये जो है हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अंडर में डालना चाहता हूँ तो मैं ये पंजाब को एक बार स्क्रोल करूंगा तो ये इसके नीचे आ गया, राजस्थान को भी यहाँ पे जो है मैं थोड़ा स्क्रोल करूंगा और दिल्ली को भी यहाँ पे स्क्रोल करूंगा तो ये आ गया इसके नीचे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने के बाद अब जो आपको मेन्यू दिखाई देगा, देखो आप देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब पे जा रहा हूँ तो मुझे दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, तो इस तरह से जितनी भी मैं बनाना चाहता हूँ इसके सब इंटरफेस जो है ये मेरे सब मेन्यू जो है वो क्रिएट होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो है पूरा मेन्यू जो है आपका क्रिएशन करना है। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे कितने पोस्ट जो हैं वो हमारे कितने सॉरी यहाँ पे कितने पोस्ट हमारे पास डिस्प्ले होने चाहिए वो हमने यहाँ पे कहाँ पे जाना, नेविगेशन पे, नेविगेशन पे लिखा है पोस्ट पर पेज, तो यहाँ पे एडिट करना है तो कितने पोस्ट हम चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6। ठीक है ना, तो अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हो, कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अभी 6 है तो ठीक है, फेयर इनफ, 6 से ज़्यादा अगर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी वेबसाइट नई हो, ब्लॉग नया हो तो 6 ही हमारे सफिशेंट है। इसके बाद जो है यहाँ पे ऑथर की डिटेल्स जो हैं वो आपको एंटर करनी है। तो जहाँ पे ये कुछ ऐसे डली हुई हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक मेरा नाम चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इतना कर दिया।
और मैं इसको सेव कर देता हूँ, आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो ये ऑथर का हो गया। अभी ऑथर के कोई सोशल लिंक्स हैं तो यहाँ पे एडिट पे हम क्लिक करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये इंस्टाग्राम का है तो आपका इंस्टाग्राम का यहाँ पे यूआरएल डाल देना है। एडिट करते हैं तो ये आपका किसका, एक बार और थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करते हैं, किसी चीज़ का नहीं, खाली पड़ा है तो आप इसकी जगह पे कोई भी अपना चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका गूगल प्लस का है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका ट्विटर का है, और उसके बाद यहाँ पे आई एम श्योर ये फेसबुक का है। तो ये कुछ इस तरह से आपको जो है चेंज करते रहना है, और जो भी आपको जैसे चाहिए उसको करके आपको यहाँ पे सेव कर देना। जो नहीं चाहिए आप डिलीट पे बटन दबा दीजिए तो डिलीट वो आपका होता चला जाए। जैसे ये नहीं चाहिए मुझे, ये हटा दिया, ये चाहिए ने हटा दिया, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ट्विटर और फेसबुक बचा है तो ये दो अभी रहने देते हैं। इतना करने के बाद जो है हमें यहाँ पे एड लगानी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ होम एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट विड्थ, तो यहाँ पे जो है होम एडवर्टाइज विड्थ जो है वो हमारा ये वाला है, ये वाला सेक्शन है, ये जो एड दिख रही है तो ये वाला सेक्शन है। मैं इसको एडिट पे क्लिक करके दिखाऊँ आपको, तो आप देखते हैं यहाँ पे ये वाला पेज जो है यहाँ पे डला हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, आपके जो भी एड है चाहे वो अमेजोन के हैं, चाहे वो जो है आपके किसी और एफिलेट के अकाउंट के हैं, या फिर जो है आपके एडसेंस के हैं, तो वो ऐड यहाँ पे आप बैनर वगैरह लगा सकते हो। तो ये अभी हम यही रहने देते हैं, आपको जो चेंज करने आप ये चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये है आपका स्लाइड, इसके ऊपर ये जो है ये आपका स्लाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिख कह रहा है, नो पोस्ट फाउंड फॉर लेबल ट्रेवल। अब यहाँ पे जो भी आप चाहते हो कि यहाँ पे पोस्ट जो है वो क्या हो, स्लाइड हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फीचर्ड स्लाइड विजर्ड पे जाके एडिट पे क्लिक करना है, और एडिट पे क्लिक करके जो है यहाँ पर एक है डेटा लेबल, तो ये लेबल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेवल। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं स्लाइड, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्लाइड डैश जीत, स्लाइड डैश जीत जो करके हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे काउंट जो है 5, मतलब 5 जो है आप एक बार यहाँ पे पोस्ट जो है वो आप अपने ये क्या करा सकते हो, स्लाइड करा सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पे पोस्ट पे जाना है, तो जो जो पोस्ट हमें यहाँ पे स्लाइड करवानी है उस पे जाके यहाँ पे ये जो लेबल है इस लेबल के अंदर जाके हमने वो लेबल ऐड करना है। जैसे यहाँ पे स्लाइड डैश जीत करके मैं इसको डन कर देता हूं और इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूं। तो ये मैंने अपडेट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखते हैं ये जो है मेरा स्लाइड के लिए यहाँ पे पहले नंबर पे आ चुका है। अब इसी तरह से अगर मल्टीपल होंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होंगे, स्लाइड होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा एक यहाँ पे मेन आ गया, जो भी हम हाईलाइट करवाना चाहते हैं वो हम हाईलाइट करवा सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पे ट्रेवल दी वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको आपको चेंज करके कुछ और कैटेगरी के ब्लॉग डालने हैं तो आप वो चीज़ें डाल सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे लेआउट पे ही जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रैवल विद ट्रैवल दी वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके आपको जो भी ब्लॉग चाहिए उनका यहाँ पे लेबल आपको चेंज करना है, और लेबल चेंज करके जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है ना, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ GOVT डैश और यहाँ पे जॉब्स, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ लेबल को, ये कॉपी कर लिया मैंने लेबल, और इसको सेव कर देता हूँ, सेव अरेंजमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। और वापस से जो हमने पोस्ट जो बना के रखा है उसके अंदर ये वाला टैग भी जो है मैं इस लेबल के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सेव करते हैं, अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब जाकर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे ट्रैवल दी वर्ल्ड लिखा होता वहाँ पे अभी लिख के आ गया लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, और हमने जो आर्टिकल लिखा है ब्लॉग जो है वो यहाँ पर भी हमारा फ्लैश होने लग गया। तो आप देख सकते हो एक ही को हमने कितनी बार जो है यूज़ करना है। इसी तरह से यहाँ पे क्लाइम दी माउंटेन है, तो यहाँ पर भी जो है मैं वापस लेआउट पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखा हो क्लाइम दी माउंटेन, इस पे जाके वापस एडिट करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं लेबल जो है इसका सिर्फ चेंज कर देता हूँ, और लेबल चेंज करके मैं यहाँ पे इसको भी गवर्नमेंट जॉब जो है डाल के अभी हाल फिलहाल के लिए इतना करके इसको मैं सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो ये कर दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा ये भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माउंट दी ये क्लाइम दी माउंटेन था उसको मैंने चेंज नहीं करा, लेकिन यहाँ पर भी आ गया।
और ये इसके नीचे भी इस तरह से हमारे पास आते रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से एक ही ब्लॉक से आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा पेज जो है वो भरा सा जा भरते जा रहा है। तो इसी तरह से हमें भी क्या करना है, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे करते हैं। जो भी टैग्स होंगे, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, स्लाइड जीत लिखा है हमने, तो वो सारे टैग्स यहाँ पे साइड पे आते जाएंगे। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इनको भी अरेंज कर सकते हो। कैसे, वो आपको यहीं पे जाना है। आप देखते हो यहाँ पे एडवर्टाइज है पहले नंबर पे, फिर नैप बार है। नैप बार कौन सा कहला रहा है आपका, ये वाला रिसेंट पॉपुलर कमेंट है ना। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे टैब है रिसेंट वाला, फिर यहाँ पे पॉपुलर वाला, फिर यहाँ पे कमेंट वाला। ये जो सेक्शन है, ये जो टैब्स बने हुए, ये टैब यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखते हो अर्काइव है, तो ये आपका जो है इसके बाद ये अर्काइव आ गया। अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे अर्काइव नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, और एडिट पे क्लिक करके मैं इसको रिमूव ओके कर देता हूँ। तो ये अर्काइव वाला जो है हमारा यहाँ पे सेक्शन हट चुका। सेव अरेंजमेंट करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो आप रिफ्रेश जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वो आर्काइव वाला जो सेक्शन है वो हमारा यहाँ से हट चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसा हमें चाहिए, जितना चाहिए हमने, वैसा हम यहाँ पे अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है हट चुका है। अब ट्रेवल एवरीवेयर लिखा हो, तो यहाँ पर भी आपको कोई पोस्ट चाहिए है तो ट्रेवल एवरीवेयर ये रहा, और यहाँ पर आपको कोई चाहिए है तो आप यहाँ पे ट्रेवल की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, लेबल में चेंज करके गवर्नमेंट जॉब कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, सेव अरेंजमेंट कर देता हूँ, वापस जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर जो है अब मेरे पास यहाँ पे एक बार आप देख सकते हो, ये मेरे पास ट्रेवल एनीवेयर पे यहाँ पे भी एक मेरे पास ब्लॉग आ चुका है, ठीक है ना। इसी तरह से हमने क्या करना है, अभी फुटर पे काम करना है। फुटर पे कॉन्टैक्टर्स का फॉर्म ऑलरेडी है यहाँ पे, तो कॉन्टैक्टर्स ये डला हुआ है। तो अगर आपको इसको कुछ चेंजेस करने हैं, एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स फॉर्म लिखा हुआ है, और इसको जो है अगर नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर दें, चाहिए तो रहने दें। इसके बाद जो है आपका कीप ट्रैवलिंग में जितने भी हमारे लेटेस्ट पोस्ट होंगे वो यहाँ पे आपके आते रहेंगे। और यहाँ पे अबाउट मी में जो हमने यहाँ पे लिखना है वो चीज़ें हम यहाँ पे अबाउट वाले भी अबाउट मी, और यहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूज़लेटर चाहिए अगर आपको, तो यहाँ पे न्यूज़लेटर पे जाना है आपको। न्यूज़लेटर पे जाके इसको सेव पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे सेव अरेंजमेंट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो है न्यूज़लेटर सेक्शन भी जो है यहाँ फुटर सेक्शन में आपके ऐड हो जाएगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पे पूरा कस्टमाइजेशन है। तो आप देखते ये न्यूज़लेटर आ चुका है आपका, ये रहा न्यूज़लेटर आ गया। तो यहाँ पे कोई भी अपनी ईमेल आईडी डाल के आपके सबमिट करेगा, तो आपके नोटिफिकेशन जब भी आप उसके बाद अपना कोई भी पोस्ट पब्लिश करोगे तो आपका ये इसके पास जाता रहेगा। अब ये मुझे नीचे लेबल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये लेबल पे जाऊँगा, यहाँ पे इसको एडिट पे क्लिक करूँगा और रिमूव कर दूंगा, और मुझे ये नहीं चाहिए है। तो ये मैंने सेव अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। सेव अरेंजमेंट करके अभी ये हमारा हट जाएगा। इसके बाद एक चीज़ बची है लास्ट, वो ये बची है कि ये जो ऊपर में ये जो आइकन है ये ब्लॉगर का आता रहेगा, तो मुझे इसको चेंज करना है। इसको बोलते हैं फेविकॉन, क्या बोलते हैं इसको, फेविकॉन बोलते हैं। इस पर हमने एडिट पे क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है, और मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे 800x800 का बना के रखना है आपको। ये मेरा है बना हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आ गया है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और ये मेरा सेव हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये चेंज होके अभी ये आ गया। तो ये सेव अरेंजमेंट पे क्लिक कर देते हैं, और एक बार इसको जो है हम यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, ताकि जो है हमारा सारा का सारा चीज़ें जो है अपडेट हो जाएं। अभी ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि कुकीज़ के अंदर ऑलरेडी पहले ये डला हुआ है, लेकिन जब आप थोड़े समय बाद या कुकीज़ हटा के वापस करेंगे तो ये आपको ब्लॉगर का जो आइकन है वो चेंज होकर ये वाला जो आइकन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये है पूरा का पूरा ब्लॉग जो हमने पब्लिश किस तरह से फॉर्मेट करके चेंज करना है वो हमने देखा यहाँ पे। तो ये हमारा जो है सारा का सारा काम जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही ब्लॉक के जरिए हमने अपने पूरे ब्लॉक का जो फ्रंट पेज है उसको किस तरह से अच्छे से तरीके से जो है डिजाइन कर दिया। अभी इस पे इस तरह से हम बहुत सारे काम करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट लेकिन ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों के ब्लॉग भी जो है प्रोफेशनल लुक में आए, ताकि आप लोगों के जो भी रीडर्स हैं उनको भी अच्छे से दिखने को मिले, और साथ ही साथ जो है आप लोगों को भी जो है इसमें से काम करने में और अर्निंग करने में भी काफ़ी इंटरेस्ट और मजा आए। तो आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है,
जल्दी से मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें और आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।